क्या आज जिंदा होगा चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर? यूरोपियन स्पेस एजेंसी लगातार भेज रही सिग्नल, विक्रम लैंडर जिंदा हुआ या नहीं इसे लेकर काफी गहमा गहमी है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कोरोव स्टेशन से चंद्रयान 3 के लैंडर पर सिग्नल भेजा। विक्रम ने क्या रेस्पॉन्स किया इसे लेकर एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर ने सुबह से कई बार ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि विक्रम अभी सही से सिग्नल वापस नहीं भेज रहा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के कोरोव स्पेस स्टेशन से चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को लगातार संदेश भेजा जा रहा है, लेकिन लैंडर की तरफ से जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो बेहद कमजोर है। यानी उसके पास से जिस तरह की ताकतवर रेडियो फ्रिक्वेंसी निकलनी चाहिए वो निकल नहीं रही है, यह दावा किया है एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर स्कॉट टाइली ने। स्कॉट ने लिखा, अपने एक ट्वीट में लिखा है कि बुरी खबर, चंद्रयान 3 के चैनल पर 2268 मेगाहर्ट्ज का उत्सर्जन हो रहा है, यह एक कमजोर बैंड है। यानी चंद्रयान 3 के लैंडर से अभी तक किसी तरह का मजबूत सिग्नल नहीं मिला है। स्कॉट ने कई ट्वीट्स किए हैं जो पिछले हर 4 घंटे से हर 10 मिनट पर आ रहे हैं। इससे पहले स्कॉट ने ट्वीट किया कि कोरोव संपर्क में आ गया है, अपनी सही फ्रिक्वेंस पर संदेश भेज रहा है। 40 मिनट पहले ये लिखा कि इस ग्राउंड स्टेशन ने जो मैसेज भेजा उसके बदले में उन्हें चांद के रिफ्लेक्शन की वजह से कुछ संदेश आता दिखा। स्कॉट को इस बात पर संदेह है कि चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ऑफ फ्रिक्वेंसी है, वो लगातार ऑन ऑफ सिग्नल भेज रहा है। चांद से आ रहे सिग्नल कभी स्थिर हैं, कभी उछल रहे हैं, कभी एकदम गिर जा रहे हैं, जबकि कोरोव से भेजा गया सिग्नल स्थिर है। विक्रम लैंडर का ट्रांसपोंडर RX फ्रिक्वेंसी का है, उसे 240/221 की दर की फ्रिक्वेंसी पर काम करना चाहिए, लेकिन वह 2268 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल दे रहा है जो स्थिर नहीं है। फिलहाल यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इसरो दोनों ने ही इस बात की पुष्टि नहीं की है कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जाग गए हैं या नहीं। माना जा रहा है कि दोपहर तक इसरो इस बात की पुष्टि करेगा। विक्रम लैंडर शिव शक्ति पॉइंट पर जहां है वहां सूरज की रोशनी पहुंच चुकी है। शिव शक्ति पॉइंट पर पड़ रही है सूरज की रोशनी। विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जिस जगह है वहां पर सूरज की रोशनी 13 डिग्री पर पड़ रही है। इस एंगल की शुरुआत 0 डिग्री से शुरू होकर 13 पर खत्म हो गई। यानी सूरज की रोशनी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर टेढ़ी पड़ रही है। 6 से 9 डिग्री एंगल पर सूरज की रोशनी इतनी ऊर्जा देने की क्षमता रखता है कि विक्रम नींद से जाग जाए। ये बात इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर के डायरेक्टर M शंकरन ने एक अंग्रेजी अखबार से कही थी। उन्होंने बताया कि विक्रम और प्रज्ञान की सेहत का असली अंदाजा 24 सितंबर तक हो जाएगा। ये बात तो तय है कि अगर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अगर जग गए और काम करना शुरू कर दिया तो ये इसरो के लिए बोनस होगा। अब तक जितना डेटा भेजा गया है उस हिसाब से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का मिशन पूरा हो चुका है। अगर लैंडर उठ गया तो भी बहुत सारा डेटा हमें वापस मिलेगा। कई सारे इन सीटू एक्सपेरिमेंट फिर से हो सकेंगे। जगने के बाद कई डेटा और मिलेंगे जिनकी एनालिसिस करके रिजल्ट आने में कई महीने लगेंगे। कुछ नई जानकारी मिल सकती है।